स्टील मिल्स 2015 से बंद पड़ी है, इसके बावजूद मुलाजमीन को तनख्वाहें और मराहत मिल रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत स्टील मिल्स के तमाम मुलाजमीन को फारिग करे। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजिम की प्रमोशन से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमत से स्टील मिल के मामले पर जवाब तलब करते हुए अहम हिदायत भी जारी की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान स्टील मिल 2015 से बंद पड़ी है, इसके बावजूद मुलाजमीन को तनख्वाहें और मराहत मिल रही है, जिससे सालाना अरबों का बोझ हुकूमत पर पड़ रहा है। स्टील मिल के मुलाजमीन को नौकरी पर क्यों रखा हुआ है? अदालत ने हुक्म दिया कि सेक्रेटरी सनअत और पैदावार मामले को फौरी तौर पर देखें और हुकूमत इन तमाम मुलाजमीन को फारिग करे। पाकिस्तान स्टील मिल्स बहुत मसाइल पैदा कर रही है, लगता है मुल्क का सारा बजट स्टील मिल्स में ही चला जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हुकूमत स्टील मिल चलाना चाहती है तो नए लोग भर्ती करे, मौजूदा मुलाजमीन को बैठकर खाने की आदत पड़ गई है।